जय हिंद दोस्तों, एक नए कंसेप्ट के साथ आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये जो कंसेप्ट है ठोस अवस्था से हम लोग लिए हैं, जिसके ठोस अवस्था चैप्टर से ये तीसरा वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी क्रिस्टलीय अगर ठोस सवाल में दिया गया है तो इस क्रिस्टलीय ठोस को किसी अक्रिस्टलीय ठोस में कैसे बदला जाए और अक्रिस्टलीय ठोस को किसी क्रिस्टलीय ठोस में कैसे बदला जाएगा। ये दोनों का ट्रांसफर को सीखेंगे कि क्रिस्टल को अक्रिस्टलीय में कैसे बदला जाता है और अक्रिस्टलीय को क्रिस्टलीय में कैसे बदला जाता है। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। कंटिन्यू आपको पूरा का पूरा ठोस अवस्था जो चैप्टर होगा इसको पूरे के पूरे वीडियो को आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले अगर हम इसमें शुरुआत करना करेंगे तो पहले हम लोग समझेंगे कि कोई क्रिस्टलीय यदि ठोस दिया गया है, ठीक है, तो उस क्रिस्टलीय ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस में कैसे बदला जाता है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये हमारे पास में एक क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है? ये क्वार्ट्ज है, SiO2, इसको क्वार्ट्ज कहेंगे। और इसी क्वार्ट्ज को अगर अक्रिस्टलीय बदलेंगे तो सेम यही SiO2 जो होगा कांच का निर्माण करेगा। ये भी SiO2 है और ये भी क्या है? SiO2। तो अगर हम क्या करेंगे, क्रिस्टलीय से अक्रिस्टलीय, कहने का मतलब किसी क्वार्ट्ज से किसका निर्माण करना? कांच का निर्माण करना। तो कैसे किया जाएगा? तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि किसी क्रिस्टलीय ठोस को यदि हम गर्म करें, ठीक है, तो अगर ये जैसे कि क्रिस्टल है इसको यदि हम गर्म करेंगे तो पिघलेगा, और ये जो क्वार्ट्ज होगा पिघल के किस अवस्था में चला जाएगा? द्रव अवस्था में चला जाएगा, ठीक है, किस अवस्था में जाएगा? द्रव अवस्था। अगर द्रव अवस्था में चला गया तो पहले तो इसका आकार निश्चित था, लेकिन जब द्रव अवस्था में चला गया तो सारे के सारे बॉन्ड टूट गए, और सारे बॉन्ड टूट गए तो अब इसका आकार निश्चित नहीं है। इसके बाद क्या होगा कि आप खुद ही सोचिए कि इसका संरचना, ज्यामितीय संरचना निश्चित है, हर एक जगह पर एक जैसा ज्यामितीय आकार है, और अक्रिस्टलीय में हर एक जगह पर ज्यामितीय आकार एक जैसा नहीं है। तो सिंपल सा बात है, अगर इसको ज्यामितीय आकार को बदलना होगा तो पहले इसके आकार को चेंज करेंगे, द्रव में बदलेंगे, और द्रव को जब हम तेजी से ठंडा करेंगे, ठीक है, अगर आराम से धीरे धीरे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे तब तो फिर से वह क्वार्ट्ज का ही निर्माण करेगा। लेकिन अगर इस क्वार्ट्ज को द्रव में बदले तो इसका संरचना खत्म हो गया, और इसके बाद यदि इसको तेजी से ठंडा करेंगे तो यह अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाएगा जितना बढ़िया से पहले संरचना था। जल्दी से ठंडा कर देंगे तो वह उतना जल्दी से अपने संरचना को व्यवस्थित नहीं करेगा, और क्योंकि संरचना को व्यवस्थित नहीं कर पाएगा तो वह किसका निर्माण करेगा? अक्रिस्टलीय का निर्माण करेगा, ठीक है, समझ गए? एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी क्रिस्टलीय को अक्रिस्टलीय में यदि बदलना है तो इसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित है, लेकिन इसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं है। तो पहले इसकी संरचना को तोड़ने का काम करेंगे। इसका संरचना को तोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, संरचना टूट गया, द्रव अवस्था में हो गया, और उसके बाद क्या किया जाएगा? अगर धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो फिर से वो अपनी व्यवस्था को बना के फिर से उसी ठोस का निर्माण करेगा, लेकिन हम अगर तेजी से ठंडा करेंगे तो वह अपनी संरचना को पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं करेगा, जिसके कारण से वह किसका निर्माण करेगा? कांच का या किसी अक्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करेगा। समझ में आया? तो सवाल ये पूछता है कि कांच से क्वार्ट्ज का निर्माण, सॉरी, क्वार्ट्ज से कांच का निर्माण, अगर क्वार्ट्ज से कांच बोलेगा तो हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर क्रिस्टलीय की जगह पर लिख देंगे क्वार्ट्ज को तेजी से क्या करते, पहले गर्म करते हैं, उसके बाद जब तेजी से ठंडा करते हैं तो कांच का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं, सेम इस सवाल को अगर उल्टा तरीका से करना होगा। उल्टा तरीका से करने का मतलब कि यदि अक्रिस्टलीय को, इससे पहले के सवाल में क्रिस्टल को अक्रिस्टल में बदले थे और इस सवाल में अक्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलीय ठोस में बदलना है, ठीक है, यानी कि पहले हमारे पास ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं है, इस वाले में क्या है? ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं है। तो जब इसको बनाया गया तो जल्दबाजी में बनाया गया था कि हम क्या किए थे, इसको तेजी से ठंडा किए थे, समय इसको व्यवस्थित करने का नहीं मिला था। तो यदि इसको समय दिया जाए, इसको लंबे समय तक छोड़ दें तो धीरे धीरे क्या करेगा? अपनी संरचना को व्यवस्थित करेगा। तो धीरे धीरे जब अपनी संरचना को व्यवस्थित करता है तो यह एक क्या करेगा? क्वार्ट्ज का निर्माण करता है। तो यहां पर यह निर्माण किया है किसका? क्वार्ट्ज का। और पहले क्या था हमारे पास में? कांच था। तो यहां पर यह कांच से क्वार्ट्ज का निर्माण किया, कब? जब इसको किसी अक्रिस्टलीय ठोस को लंबे समय तक अगर छोड़ देंगे
तो वह अपने से ही क्या करेगा, संरचना को व्यवस्थित करके कांच सॉरी क्वार्ज का निर्माण करेगा या किसी क्रिस्टल का निर्माण करता है। तो आपको दोनों समझ में आ गया, किसी क्रिस्टल को अक्रिस्टल में बदलना होगा तो गर्म करके तेजी से ठंडा करेंगे, और यदि अक्रिस्टल से क्रिस्टल में बदलना होगा तो उसको लंबे समय तक छोड़ देंगे केवल, ठीक है। अब इस पे एक सवाल और आता है कि पहले तो दो सवाल यही फिक्स हो गया, एक कि कांच को क्वार्ज में बदले और क्वार्ज को कांच में बदले, दो सवाल हो गया। एक तीसरा यह भी सवाल होता है कि जो पुराने वाले कांच होते हैं कि आप कांच देखेंगे तो वह अगर जितना पुराना होते जाएगा वह कांच उतना धुंधला होते जाता है, क्यों? तो आप जब कांच देखेंगे नया नया कांच रहता है तो इससे इस पार से उस पार दिखाई देने लगता है। अब बोतल देख के तुम लोग मूड मत बनाने लगना, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में अगर कांच जब पुराना हो जाता है तो यह कांच जो होता है धुंधला हो जाता है, सफेद पड़ने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो शुरुआत में तो नया था तो था, इसको आप कितना भी साबुन सर्फ लगा लीजिए फिर भी यह जो होता है धुंधला ही रहता है। रीजन यह है कि जब इसको लंबे समय तक छोड़ दिए तो यह धीरे धीरे क्या कर रहा है, क्रिस्टल का निर्माण कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो है ये अक्रिस्टलीय एमर्फस है, ये कांच है और धीरे धीरे किस में बदल रहा है, क्वार्ज में बदल रहा है। यही चीज खिड़की वाले कांच के साथ भी होता है, खिड़की पर जब नया नया कांच लगता है एकदम चमक चमचम चमक चमक रहा होता है, मजा आता है देखने में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है यह कांच धुंधला होते जाता है। क्यों धुंधला हो रहा है? क्योंकि वह कांच अपनी संरचना को व्यवस्थित करके क्रिस्टलीय रूप में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो के बारे में आपको अगर समझ में आया है, चाहे कुछ डाउट हो कुछ भी हो, कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।